कोरोना से जंग में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी सामने आया है। बीसीसीआई ने सोमवार को 10 लीटर की क्षमता वाले 2000 कंस्ट्रक्टर डोनेट करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इन कंस्ट्रक्टर्स की मदद से कई मेडिकल संस्थाओं की मदद की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में काफी तबाही मचाई है, इसकी वजह से देश में कई हजार लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। बीसीसीआई ने कहा कि वे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में देश के मेडिकल व्यवस्था में मजबूत करने में मदद करेंगे। बीसीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि देश को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है, इससे मेडिकल इक्विपमेंट और जीवन बचाने वाली ऑक्सीजन की मांग में काफी वृद्धि हुई है। अगले कुछ महीनों तक बोर्ड भारत के कई शहरों में मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाएगा। इसके लिए हम 10 लीटर की 2000 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन दान करेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि इससे हमें उम्मीद है कि देश को कोरोना महामारी में लड़ने में थोड़ी मदद मिलेगी, इससे जरूरतों तक मदद पहुंचाई जाएगी। हम मेडिकल और हेल्थ केयर की कम्युनिटी की शानदार भूमिका की सराहना करते हैं। वायरस के खिलाफ हमारी लंबी लड़ाई ने उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे सचमुच हमारे लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स रहे हैं। उन्होंने हमें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। बोर्ड इस मुश्किल परिस्थितियों में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।